मेरे स्टूडेंट हैं, पर गति हो रहा है. तो जीवन में गति है, लाइफ इज मूविंग. वो आपको किधर लेके जा रही है वो आपको भी पता नहीं है. इसके लिए आपको सही ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि गति मेरा जो है वो दुर्गति की तरफ है या प्रगति की तरफ है. गति तो है, जीवन तो खत्म हो रहा है. पिछले साल मैं 34 साल का था, आज मैं 35 का हो गया ना. लोग बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे मनाने का हक किसको मालूम है? हेलो, इस दुनिया में बर्थडे मनाने का हक किसको है? जिसका पिछला ये साल पिछले साल से बढ़िया हो वो बर्थडे मनाना चाहिए. अगर तुम्हारे जिंदगी में पिछले साल से इस साल कुछ अच्छा हुआ नहीं तो काय का बर्थडे मना रहा साले? तू लास्ट ईयर भी 40 पॉलिसी किया था, इस साल 24 पॉलिसी किया है. लास्ट ईयर तूने 10 लाख प्रीमियम किया, इस साल 9 लाख प्रीमियम किया है. लास्ट ईयर भी MDRT था, इस साल भी MDRT. जब कोई परिवर्तन ही नहीं है तो बर्थडे किस बात का मना रहे तुम? बर्थडे मनाने का हक ही उसी को है जिसका जीवन पिछले साल से बढ़िया हो इस साल. क्योंकि गति तो है, वो प्रगति की तरफ जा रहा हूं या वो मेरे एक्शन डिसाइड करेंगे. हेलो, इसके बारे में बातचीत करेंगे कि तीन प्रकार से लोग प्रगति हासिल करते हैं. ये प्रगति जो है MDRT, COT, TOT, सफलता, ये जो कुछ भी है, ये तीन प्रकार से हासिल होती है दुनिया में. किसी को भी, मुझे, आपको, यहाँ बैठे हुए COT एजेंट्स को, डेवलपमेंट ऑफिसर, यहाँ MDRTs, मेरे कम से कम 80-90 स्टूडेंट MDRT बैठे हुए हैं. जो भी आपके जीवन में प्रगति है, क्या है, जोर से बोलिए, वो तीन प्रकार से हासिल हो. किसी के भी जीवन में महानता, सफलता, प्रगति तीन प्रकार से मिलती है. तीन प्रकार से आप सफल हो सकते हैं, तीन प्रकार से आप जीवन में सफल हो सकते हैं, तीन प्रकार से आप जीवन में महानता हासिल कर सकते हैं, तीन प्रकार से आप जीवन में प्रगतिशील रहेंगे, दुर्गति की तरफ नहीं जाएंगे. ये तीन चीजें हैं आपको जीवन में सफल बनने के लिए. तीन प्रकार से लोग करोड़पति बनते हैं, तीन प्रकार से लोग अरबपति बनते हैं, तीन प्रकार से लोग किसी के भी पति बनते हैं. तीन प्रकार से सफलता पाना, तीन तरीके से सफल हो सकते हैं आप ये दुनिया में. आप जानना चाहते हैं तीनों तरीके? पीछे वाले जोर से बोलेंगे, बालकनी वाले जोर से बोलेंगे. तुम आगे मत आना भाई, पीछे रहो. हेलो, है ना, बहुत आगे मत आओ, हेलो, वहीं रहो, ठीक है, प्रोग्राम चलने दो शाम तक. तो सफलता हासिल तीन प्रकार से होती है. पहला, किसी महान के घर में पैदा हो जाओ, बाय डिफॉल्ट महान. राजा का बेटा, राजकुमार, चाहे टैलेंट हो या ना हो. समझ आ रहा है? हेलो, चाहे टैलेंट हो, अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन ही कहलाएगा ना. हेलो, चाहे उसको एक्टिंग करना आता हो नहीं आता हो, लेकिन वो बच्चन उसके नाम में लग गया, अभिषेक बच्चन. जितेंद्र का बेटा तुषार कपूर है. हेलो, तो जितेंद्र का बेटा है वो, इसलिए वो महान है, चाहे एक्टिंग आता हो चाहे नहीं आता हो. इस फिल्म इंडस्ट्री में मैं कुछ नाम आपको पूछूंगा, आप बताना उनके पिताजी कौन है. सलमान खान, जोर से बोले, वेरी नाइस. संजय दत्त, वेरी गुड. तुषार कपूर, जितेंद्र, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. सलमान खान, सुहेल खान, अरबाज खान, शाहरुख खान, उसके बाप का नाम किसी को मालूम है? इज द रियल किंग. उसने अपने दम पे महानता हासिल किया है. उसने अपने दम पे मानता हासिल किया है. अक्षय कुमार, उसने अपने दम पे मानता हासिल किया है. इनका कोई गॉड फादर नहीं था. तो पहला तरीका क्या है? महान के घर में, राजा का बेटा, राजकुमार, वो चाहे उसके अंदर कोई टैलेंट ना हो, वो साला राजकुमार ही कहलाएगा. उसको माला पहनाना, आपको सलूट करना ही पड़ेगा. हेलो, समझ आ रहा है मेरी बातचीत आपको? वेरी नाइस. दूसरा तरीका क्या है महान बनने का?
महान के साथ जुड़ जाओ, जैसे राजा से शादी कर लो तो क्या कहलाओगे? रानी, चाहे टैलेंट हो या ना हो। रानी से शादी कर लोगे तो क्या कहलाओगे? राजा, चाहे टैलेंट हो या ना हो। तो किसी महान के साथ जुड़ जाओ, आप भी महान कहलाओगे। किसी महान व्यक्ति के, इसको बोलते हैं महानता थोपना। क्या बोलते हैं? मतलब जबरदस्ती महान हो गए। तुम महान थे नहीं, लेकिन क्योंकि तुम्हारा पति राजकुमार है, तुम्हारी पत्नी रानी है, तो तुम बाय डिफॉल्ट राजा हो गए। टैलेंट तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, टैलेंट तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है आपको? सत्यपाल अंबानी जी, समझ आ रहा है आपको? ओके। तीसरी महानता होती है अपने दम पे महानता हासिल करना, स्वयं के दम पे। कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई माता पत्नी नहीं, कोई दोस्त मेरा कुलपति नहीं है, अपने दम पे। शाहरुख खान, कोई गॉडफादर नहीं, कोई जानने वाला नहीं, अपने दम पे। किंग, बादशाह, अक्षय कुमार, कोई जानने वाला नहीं, अपने दम पे। सचिन तेंदुलकर, अपने दम पे। महेंद्र सिंह धोनी, अपने दम पे, कोई गॉडफादर नहीं है। धीरूभाई अंबानी, अपने दम पे। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी हमेशा क्या कहलाएंगे? धीरूभाई अंबानी के बेटे कहलाएंगे हमेशा, क्योंकि महान के घर में पैदा हुआ है, महान के। लेकिन धीरूभाई अंबानी कोई गॉडफादर नहीं था। भारत पारेख, कोई गॉडफादर नहीं है। वेंकटेश्वर राव, कोई गॉडफादर नहीं है, अपने दम पे हासिल किया, खुद के दम पे। जो महानता खुद के दम पे हासिल की जाती है, वो महानता दुनिया याद रखती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, महान के घर में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं था। अगर भगवान पैदा करने से पहले आपको, प्रेग्नेंट होने से पहले पूछता कि किधर जाओगे, तो मैं तो सीधा बोलता अंबानी, टाटा, बिरला, आजकल अडानी भी है। मैं क्यों बोलता? अगर भगवान मेरे को चॉइस देता कि धरती पे भेजूंगा 9 महीने बाद तुम प्रकट होने वाले हो, किधर प्रकट होना चाहते हो, तो अपन बोलते अमिताभ बच्चन को ही भेज दो यार, उधर ही दे दो अपने को, किधर लाइफ सेट हो जाएगी। अभिषेक को ऐश्वर्या मिल गई, अभिषेक को ऐश्वर्या मिली है, वो अभिषेक का टैलेंट नहीं है। हेलो, वो अमिताभ बच्चन का टैलेंट है ना, उसको तुषार कपूर ना मिलता, उसका टैलेंट नहीं है वो तो अमिताभ बच्चन का टैलेंट है कि उसको ऐश्वर्या मिली है। तो भगवान ने पूछा नहीं हमसे कि तू जा रहा है धरती पे तो किस परिवार में जाएगा, क्योंकि पैदा होना कंट्रोल में नहीं था। किसी महान से साथ जुड़ना, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। कैसे जुड़े, कौन मिलेगा, किसके साथ जाके दोस्ती कर ले जो करोड़पति बना दे। महानता खुद के दम पे हासिल किया जाता है, और जो अपने दम पे महानता हासिल करता है वही महानता दुनिया याद रखती है, वही महानता दुनिया याद रखती है। तो इसका एक सिद्धांत आपको सिखाऊंगा, अगर इस सिद्धांत आप समझ गए तो आज का SCG IPL आपके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। सिद्धांत सीखना चाहते हैं आप सभी लोग? अगर सीखना चाहते हैं तो एक बार जोर से बोल दीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, ठीक है। जिंदगी में महान बनना और शतरंज का खेल खेलना दोनों सेम है, दोनों सेम है। COT TOT बनना और शतरंज खेलना दोनों सेम है। जीवन भगवान ने शतरंज जैसा बनाया है, ईश्वर ने ये जो संरचना की है हमारी, ये शतरंज जैसी बनाई है, चेस जैसा बनाया हम। आप में से चेस कितने लोग कभी खेले हैं? चेस, शतरंज, तभी तुम्हारा बीमा नहीं हो रहा सालो, है ना। तुम चेस खेल रहे हो, बीमा कहां से होगा तुम्हारा है? तुम चेस खेलोगे, बीमा कैसे होगा, है ना। चेस वेस मत खेला करो, चलो हर चीज में हाथ नहीं उठाना होता है,
ठीक है. एनीवेज, शतरंज का खेल देखिए कितना निराला है. मैं तो समझ गया था बहुत साल पहले, मेरे जीवन में मैंने इसको अप्लाई किया है. मैं कुछ भी सिखाता हूँ, मैं खुद करता हूँ वही सिखाता हूँ. मैं कुछ भी आपको ये सब किताब में, कापी में, कहीं यूट्यूब में, कहीं किसी कहीं नहीं मिलने वाला. ये सब मेरे अनुभव है, जो मैंने मेरे जीवन में हासिल किया वही बता रहा हूँ. मैंने किया है जो मैंने कहीं सुना था और मैंने अपने जीवन में उसको अप्लाई किया. शतरंज के खेल में ये कुछ खिलाड़ी होते हैं. इसको अपने जीवन में देखिएगा गौर से, अपने अपने आप को इसमें जरा देखिएगा. एक